यानी 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलाव का असर आम आदमी के घर की रसोई से लेकर उसकी जेब पर पड़ने वाला है। इन चेंजेस में एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर पीपीएफ अकाउंट के नियमों में चेंज, सुकन्या समृद्धि योजना और क्रेडिट कार्ड तक शामिल है। आइए जानते हैं ऐसे 5 बड़े बदलावों के बारे में। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। संशोधित दाम 1 अक्टूबर 2024 की सुबह 6 बजे जारी किए जा सकते हैं। कुछ समय पहले जहां 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, वहीं 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम। केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए खास तौर से संचालित सुकन्या समृद्धि योजना की योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम चेंज किया जा रहा है। एसएसवाई में यह बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इस चेंज के तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार अगर किसी बेटी का एसएसवाई अकाउंट ऐसे व्यक्ति की ओर से खोला गया है जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, ऐसे में ये खाता अब नेचुरल पेरेंट्स या लीगल गार्जियन को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। पीपीएफ खातों में बदलाव। पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंडर ऑपरेट होने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ योजना में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त 2024 को नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की थी। इसके अनुसार पीपीएफ के 3 नए नियमों को लागू किया जाएगा। 1 से अधिक अकाउंट रखने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ATF और CNG PNG के नाम देश भर में महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल और CNG PNG के नाम भी संशोधित करती है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती है। इससे पहले सितंबर महीने में ATF की कीमतों में कटौती की गई थी। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। आप भी HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो बता दें कि कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं। इसके मुताबिक HDFC बैंक ने स्मार्ट बॉय प्लेटफॉर्म पर ऐप प्रोडक्ट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्टल हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है।